और किरण क्या हाल है? हाँ यार सब ठीक है, तू अपना बता। मैं बढ़िया। अंधेरे में क्यों बैठा है? अबे यार हाँ। और बता, मिलने नहीं आता? हाँ यार आजकल थोड़ा घर पे ही रहता हूँ ना इसलिए। घर पे? हाँ। कॉल भी नहीं उठाता? अबे वो बिजी हूँ आजकल थोड़ा। तू अपना बता यार, तेरा क्या चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। सुबह उठता हूँ, जॉब के लिए जाता हूँ, शाम को परिवार के साथ। तेरा ही सही है यार। बस बहुत हो गए रोज रोज के ड्रामे और लड़ाइयाँ। मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुझे भी कौन सा तेरे साथ रहना है? तो फिर करण का क्या होगा? मुझे क्या पता, वो अपने आप देख लेगा। क्यों, तुम्हारा बच्चा, तुम रखो उसे। तो तेरा कुछ नहीं लगता? मैं अपने आप देख लूंगी। हाँ तो वो भी अपने आप देख लेगा। अब ये करण कैसा सा है यार, कोई रह ही नहीं सकता इसके साथ। भाई इतना बोरिंग बंदा है, इसके साथ रहेगा ही कौन? करण, करण से प्यार करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं करण के साथ एक पल भी नहीं रह सकती, वो एकदम बच्चे जैसा है। करण क्या हुआ? अबे कुछ नहीं यार, सब ठीक है। परेशान लग रहे हैं, क्या सोच रहा था? नहीं यार सब ठीक है, सब ठीक है। चल ठीक है, मिलते हैं। हाँ यार चल ठीक है। अरे यार मैं अपनी ये प्रॉब्लम सबको बता क्यों नहीं पाता हूँ। शे हम सभी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, हम इससे कैसे निपटते हैं ये हमें अलग बनाता है। अगर नेगेटिव थॉट्स आप पर कभी भी हावी हो रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स, टीचर्स, गार्डियन या हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हैं। याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। कंट्रोल योर इमोशंस, ईच लाइफ मैटर्स।